आज हम जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में, एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल ड्रिंक जो हम अपने घर में ही बना सकते हैं सिर्फ दो सामग्री की मदद से। और ये इतने ज़्यादा असरदार है कि आप इसका अगर सेवन करेंगे तो यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो नियंत्रित आप कर सकेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी। जब भी हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो शुरुआती लक्षण क्या क्या दिखने लगते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे खाने से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें खाने चाहिए और उनकी मदद से यूरिक एसिड को हम नियंत्रित कर लेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसकी मदद से आप यूरिक एसिड को बहुत हद तक नियंत्रित कर लेंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं आपके शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरा नॉलेज है, जो ज्ञान मैंने एकत्रित किया है, वो सारा कुछ आप लोगों को बता सकूँ और मेरे ज्ञान का अगर थोड़ा से भी फायदा आप लोगों को मिल सके और उससे आपकी समस्याएँ बीमारियाँ दूर हो सकें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अभी जो लाइफस्टाइल है, हम सभी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो गए हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कि हेल्दी लिविंग हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक रसायन होता है और ये हमारे शरीर में पहले से भी मौजूद होता है। इसकी मात्रा नियंत्रित रहती है तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसको खाने से हमारे शरीर में प्यूरिन नामक तत्व बनना शुरू हो जाता है, तो जब प्यूरिन हमारे शरीर में बनता है तो इसका ब्रेकडाउन होता है यानी पाचन होती है और ये पाचन जब होती है तो ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हम खा लेते हैं जिससे हमारे शरीर में प्यूरिन बनने लगता है और जब प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है खून में तो ये हमारे किडनी जो होता है वो उसे साफ कर बाहर निकाल देता है, हमारे यूरिन यानी जो पेशाब है उसके द्वारा। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करने लगते हैं अनजाने में और वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्यूरिन बनाने लग जाता है तो हमारा किडनी धीरे धीरे उसे बाहर निकालना बंद कर देता है और इस वजह से शरीर में जो गांठ हो जाती हैं, जो भी जोर हैं वहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल यानी छोटे छोटे पत्थर जैसी समस्या वहाँ पर जाकर जोड़ में जमा होने लगती हैं जिसे हम गाउट बोलते हैं और यूरिक एसिड का बढ़ जाना बोलते हैं। तो शुरुआती जो दौर होता है, लक्षण होते हैं, आइए जान लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे में दर्द होना शुरू हो जाएगा या फिर आपके पैर के तलवे में लालीपन आना शुरू हो जाएगा। पैर की जो हील होती है यानी एरी होती है वहां पर दर्द रहने लगेगा। जैसे ही आप सुबह सोकर उठेंगे, पैर जमीन पर रखेंगे तो काफी तेज एरी में दर्द होगा। तो शुरुआती ये सारे लक्षण हैं, साथ ही साथ आपके शरीर में थकावट महसूस होगा और जोरों का दर्द भी शुरू होने लगेगा। जैसे जैसे ये ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा और हम ज़्यादातर वो सामग्री का इस्तेमाल करते रहेंगे, वो खाद्य पदार्थ का जो प्यूरिन की मात्रा को बढ़ाता रहेगा, तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और ये हमारी किडनी को भी खराब करने लगेगा, इफ़ेक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से जो किडनी है उसमें स्टोन्स भी आने लगते हैं। बार बार अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या हो रही है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि उस समय आपके शरीर में जो यूरिक एसिड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर एक जोड़ में, शरीर में जितने भी जोड़ हैं, आपके हाथ की उंगलियों के जोड़ हो, पैर के जोड़ हो, घुटने का जोड़ हो या कहीं भी दो हड्डियाँ जब जुड़ती हैं तो जोड़ का निर्माण होता है, हम सभी जानते हैं, वहाँ पर ये जाकर छोटे छोटे पत्थर के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर सूजन पैदा होने लग जाती है और त्वचा लाल हो जाती है। जब आप उसको छूकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा यानी आपको हल्का गर्म महसूस होगा और वहाँ की त्वचा काफ़ी ज़्यादा दर्द देती है, सूजन, दर्द, लालिमा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा दर्द वाली होती हैं।
इसकी वजह से आपको रोजमर्रा के कार्यों में काफी तकलीफ आता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस यूरिक एसिड को, यानी जो प्यूरिन वाले खाने हैं, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हम ना करें जिससे हमारे शरीर में प्यूरिन की मात्रा ना बढ़े। तो इसमें से सबसे पहला जो सामग्री है वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में आपको क्या नहीं खाना है? अरहर की दाल, उड़द की दाल बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। तीसरे दाल में आती है राजमा की दाल, साबुत चने की दाल, साबुत चने में जो सफेद चने आते हैं, काबुली चने, उनका बिल्कुल भी सेवन ना करें। सूखा हुआ मटर, इसकी वजह से भी शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आपको ये सारी चीजों का सेवन नहीं करना है दाल में। दूसरा जो सामग्री है वो है नॉनवेज। नॉनवेज में आप जो रेड मीट होते हैं, यानी मटन्स हो गए, किसी भी तरह का मटन, या फिर जो लाल मांस होता है, बिल्कुल भी आपको नहीं सेवन करना है। चिकन भी नहीं खानी है और मछली का भी सेवन आपको नहीं करना है। अंडे का भी सेवन नहीं करना है। ये सारी जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं, शरीर में बनाती हैं, और जिससे यूरिक एसिड बन जाता है। तो तीसरी जो सामग्री है उसमें आपको गोभी का, जो गोभी, फूल गोभी होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इससे भी प्यूरिन की मात्रा खून में बढ़ने लग जाती है। साथ ही साथ आपको मशरूम जैसे सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, मशरूम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथे नंबर पे आता है दूध। दूध तो वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन दूध जब भी आप लें तो लो फैट वाला जो मिल्क आता है वो लें। जो बहुत ज़्यादा फैट वाले दूध होते हैं उसका आप सेवन नहीं करें, जो बहुत ही क्रीम वाले दूध, क्योंकि उसको पचाने में वापस से प्यूरिन बनने लगेंगी और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा जब किडनी भी काम करनी बंद करने लगेंगी। तो अगर आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आप ये सारे खाद्य पदार्थ को बिल्कुल भी सेवन ना करें। तो आइए जान लेते हैं कि आपको ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन करना है जिसकी मदद से आपके शरीर में ये जो प्यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसको हम नियंत्रित कर सकेंगे। तो इसके लिए दो अनाज मैं आपको बता देती हूँ, वो दोनों ही अनाज का आपको सेवन करना है। बहुत ही जरूरी बात, आपको गेहूं का और चावल का सेवन एक महीने के लिए छोड़ देना है। बहुत बार गेहूं में जो ग्लूटेन होता है उससे भी हमें एलर्जी होती है और ग्लूटेन इंटॉलरेंस नाम से उसे हम जानते हैं। तो इसके ऊपर स्टडी की गई है और बताया गया है कि जो ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जो प्रोटीन होती है ग्लूटेन जो गेहूं में पाई जाती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द और जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप एक महीने तक मेरे बताए गए तरीके से खाना शुरू करें। गेहूं चावल बिल्कुल भी ना छुएं। उसके जगह पर आप ज्वार और बाजरा, ज्वार का आटा ले ले और बाजरा का आटा ले ले, दोनों बराबर मात्रा में मिला के इन दोनों की रोटी बनाकर खाना शुरू कर दें। गेहूं के आटे का रोटी एक महीने बिल्कुल भी ना खाएं जब तक आपको ये दर्द में आराम मिलना ना शुरू हो जाए। ज्वार बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, विटामिन बी होता है, फॉस्फोरस होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, और इसमें ग्लूटेन भी बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ ही साथ बाजरा जो है, बाजरा हल्का गर्म तासीर का होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों ही अनाज हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा फाइबर होने की वजह से जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। बाजरे का प्रयोग आप गर्मी के मौसम में कम करें मात्रा, क्योंकि ये गर्म होता है, ठंडी के मौसम में आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद आप वापस से गेहूं और चावल का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। कम से कम एक महीने आप ये दोनों की रोटी बनाकर खाना शुरू कर दें। आइए अब जान लेते हैं मैजिकल ड्रिंक हमें कैसे बनाना है। इस मैजिकल ड्रिंक को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो सामग्री का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो लेनी है अजवाइन, जिसे हम ओमम सीड्स भी बोलते हैं। अजवाइन बहुत ही फायदेमंद होती है किसी भी तरह के जोरों के दर्द में, और इसके ऊपर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियो में। अजवाइन आपको एक ग्लास पानी में छोटे चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए रात के वक्त, और इसे रात भर भिगो के छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद आप आधे इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें और इसे कद्दूकस कर लें। अगर आपको शरीर में बहुत पित्त रहती है, यानी गर्माहट बहुत ज़्यादा है, तो आप अदरक के जगह पर मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, अजवाइन वाली जो पानी है उसको बिना छाने एक बर्तन में डालें और इसे आपको उबाल लेना है। सिर्फ एक उबाल लगानी है। उबाल जब लगा लें उसके बाद आप इसमें कद्दूकस किया हुआ आधे इंच का अदरक का डाल दें। अदरक को ज़्यादा नहीं उबालनी है, सिर्फ इसे ढककर गुनगुना होने के लिए छोड़ देगा, इसका फ्लेम बंद कर दें। बहुत ज़्यादा अदरक उबालने से ये हमारे शरीर में गर्माहट देती है, नुकसान करती है। तो इस प्रकार से आप बनाएं। वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पता था ये बात जो मैं बताई हूँ। इस तरह से बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ये ड्रिंक। और इसे आपको लेना कब है, तो जो आप रात में बनाए हैं, पानी रखा था आपने और अभी सुबह ये तैयार किया है, इसे आपको नाश्ता करने के आधा घंटा के बाद हल्का गुनगुना सिप सिप करके पी लेना है। और जब ये आप पी लेंगे तो उसके बाद वापस से आपको एक गिलास में आधा चम्मच अजवाइन डाल देनी है और इसे ढककर छोड़ देना है शाम के वक्त के लिए। और इसे इसमें वापस से आपको शाम के वक्त इसे एक बार उबाल लगा लें इसे अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें आधा इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के और ढक के गुनगुना होने के लिए छोड़ दें। और इसे छान कर, सुबह वाला भी छान कर लें, उसे भी छान कर एक कप में निकाल लें और उसे भी आप शाम के वक्त 4 बजे के करीब में ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो यूरिक एसिड की जो समस्या है वो ठीक होने लग जाएगी, आपकी किडनी दोबारा से काम करने लग जाएगी। लगातार इसका सेवन आप करें कम से कम 45 दिन के लिए। 45 दिन आपको पर्याप्त रिजल्ट देने में लाभ देगा और उसके बाद जाकर अपना यूरिक एसिड का एक बार चेकअप करा लें। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा प्रेशर पॉइंट है जिसकी मदद से अपने यूरिक एसिड की समस्या को हम नियंत्रित करेंगे। इसके लिए आपको अपने हाथ की हथेली ले लेना है और देखिए हथेली के बीच में दो उंगली इधर है, दो उंगली इधर है, तो ये जो उंगली है इसके बीच से यहाँ पर आ जाएं सेंटर पे, और यहाँ पे नाड़ियाँ होती हैं। अब हम सभी को पता है हमारे हथेली में पूरे शरीर की नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं, तो यहाँ की जो नाड़ी है इसे आपको दबाना है, इस प्रकार से छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड का वो है पंपिंग अच्छा होगा और जो भी कचरा आपके खून के नसों में इकट्ठा हो गया है वो साफ होने लग जाएगा, किडनी फिल्टर करने लग जाएगी। इस प्रकार से आपको करते रहना है। कितनी बार करना है, दिन में 2 बार इसे करना है, किसी भी वक्त में सुबह शाम आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए छोड़ना है, इसे आप कितने देर तक करेंगे, तो कम से कम इसे 100 बार आप करें। इससे आपको दर्द में भी आराम होगा और यूरिक एसिड की समस्या में भी बहुत हद तक लाभ मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, मददगार लग रही है, तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पा सके। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों के मैसेज जो भी मुझे मिलते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, और वो सारे मैसेजेस को ध्यान में रख के मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। जिनकी भी वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ वो आगे वाली वीडियो में ज़रूर से बना दूंगी। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।